हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी फूड रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत बढ़िया नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं ये नाश्ता मैंने कैसे बनाया है। तो इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने एक अंडा लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में आज पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मैं अंडे को अच्छे से फेंट लूंगी और फिर फ्रेंड्स मैंने इसमें डाला है 2 कटोरी गेहूं का आटा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी मैदा। फ्रेंड्स, अगर आप मैदा स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अंडे के साथ और फिर फ्रेंड्स मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप दही। ये नॉर्मल दही है फ्रेंड्स, खट्टा बिल्कुल भी नहीं है। तो दही को भी मैं इसमें मिक्स कर लूंगी। और अब फ्रेंड्स मैं इसमें डालूंगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और साथ में डालूंगी थोड़ा सा खाने वाला सोडा। तो फ्रेंड्स, इन सब चीजों को मैं हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूंगी और एक खुले बर्तन में मैं इसका डो तैयार कर लूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको पानी की जरूरत लगे तो थोड़ा सा इसमें हल्का सा पानी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पानी की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए फ्रेंड्स, मेरा डो तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, अब मैंने एक पॉलिथीन बैग लिया है। फ्रेंड्स, मैं उसमें इस डो को डाल दूंगी और 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दिया है और फ्रेंड्स 15 मिनट के बाद मैं इसे पॉलिथीन बैग से निकाल लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो जो है वो तैयार हो चुका है अच्छे से। कितना बढ़िया सॉफ्ट बन चुका है। फ्रेंड्स, हमें सॉफ्ट डो ही तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसके पेड़े बना लूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब मैं इन्हें बेल लूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी। और इसे रोटी की शेप में बेल लूंगी। फ्रेंड्स, इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। इसे थोड़ा मोटा ही रखना है। फ्रेंड्स, ये जो सारे जितने पेड़े थे हैं, मैं इनके रोटियां बेल लूंगी। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस के ऊपर मैंने तवे में थोड़ा सा
बटर लगा लिया है फ्रेंड्स, और इसके ऊपर मैं ये रोटी सिकने के लिए, फ्रेंड्स यहाँ पे हमें फ्लेम जो है गैस का वो स्लो रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना बढ़िया सिक गई है रोटी। फ्रेंड्स अगर फ्लेम को हाई रखेंगे तो ये रोटी जो है वो जल जाएगी, अंदर से नहीं पकेगी, इसे हमें लो फ्लेम पर अच्छे से पकाना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और फ्रेंड्स इसी तरह मैं सभी रोटियों को सेंक लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने रोटियों को सेक लिया है, और देखिए कितनी बढ़िया सिक कर तैयार हुई है ये। फ्रेंड्स हमें रोटियों को लो फ्लेम पर ही सेकना है। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया बनी है। तो फ्रेंड्स मैंने सारी रोटियों को सेक लिया है, और फ्रेंड्स अब मैंने ये मेल्ट किया हुआ बटर लिया है, और फ्रेंड्स इसमें मैं डालूंगी चिली फ्लेक्स, और साथ में डालूंगी धनिया। तो फ्रेंड्स इन्हें मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी, और देखिए फ्रेंड्स मैंने ये जो रोटियां बनाई थी देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया बनी है ये। इसके ऊपर इसे लगा दूंगी, ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे इसके ऊपर इसे लगा देंगे। फ्रेंड्स मैं सारी रोटियों के ऊपर इसे लगा दूंगी अच्छे से। फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा नाश्ता जो है ये बनकर तैयार है। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही बढ़िया बना था फ्रेंड्स नाश्ता, आप एक बार जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स, आपको ये बहुत पसंद आएगा। वॉश करने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।